हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 9th में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 से है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। बेसिकली ये थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि नाम से कुछ सिंपल चीज़ें शो हो रही हैं इसमें से, कि एक तो है इसका काइनेटिक यानी कि एनर्जी से रिलेटेड है, और मॉलिक्यूलर मतलब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर मॉडल है ऑफ मैटर। मैटर मतलब मादे की जो हमारे पास हालतें हैं, तीन थ्री कंडीशंस ऑफ अ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज आल्सो रिलेटेड विद दैट। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। बट दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन एंड यू नो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ मैटर। अ मैटर इज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें इन उर्दू, सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, दीज आर टू थिंग्स वी नीड टू जस्टिफाई दिस थिंग और दिस ऑब्जेक्ट इज अ मैटर और नॉट। सो उसके लिए जो पहली चीज है कि वो स्पेस कोई ना कोई जो है वो ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मास हो, तो दैट इज अ कार, इट्स अ मैटर। सो मैटर इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल। टिनी पार्टिकल मीन अ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल थिंग्स कॉल्ड एटम। हम उन्हें यानी कि एटम्स कहते हैं। द टिनी पार्टिकल्स दैट मेक अप अ मैटर आर इन द कांस्टेंट मोशन। तो द फर्स्ट थिंग इज कि मैटर जो है उसकी वो कंडीशन वो उस वक्त फुलफिल करता है जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना मास हो। अब जितने भी मैटर है वो मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब वो टिनी पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट मोशन, एक फिक्स मोशन के साथ उस बॉडी के अकॉर्डिंग। अब वो उसकी जो मोशन है और उनके जो टिनी पार्टिकल्स हैं मतलब एटम और एटम्स की मोशन जो है वो रिलेट करती है तीन स्टेट्स बनाने में, यानी कि हेल्प आउट करती है मैटर को डिवाइड करने में। यानी कि हम किसी भी मैटर को उसकी जो एटम्स की मोशन है उसके अकॉर्डिंग तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं, और उन्हें डिवाइड करते हैं हम थ्री फॉर्म्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। सो अ सॉलिड इज अ एनी मटेरियल दैट हैज अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सो सॉलिड हम उन्हें चीजों को कहते हैं जिनकी शेप भी फिक्स हो और सेकंड थिंग उनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स हो, यानी कि ना उनका वॉल्यूम चेंज हो ना उनका उनकी शेप चेंज हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन इज अ सॉलिड स्टेट, आयरन की कोई चीज, वुड की कोई चीज, आपकी चेयर, आपका टेबल, आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन वगैरह हैं, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपके अराउंड हो, यानी कि जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो सॉलिड होती है। अ सॉलिड इज एनी मटीरियल दैट हैज अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। दो कंडीशन है उसके अंदर, शेप भी फिक्स होनी चाहिए भाई जान, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए। इट्स पार्टिकल्स हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सिंग ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड बॉन्ड्स। अब इसके ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ इतने टाइटली बाउंड होते हैं, इतने फोर्सफुली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि ये मूव नहीं करते। इसकी कंडीशन ये है कि इसके जो एटम हैं वो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा अट्रैक्ट है, एक इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि वो इतने टाइटली बाउंड है कि उन्हें मूव नहीं किया जाता। द पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। इतने सख्त वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होने के बावजूद ये पार्टिकल जो है ये अपनी जो मेन पोजीशन है उसके राउंड अबाउट जो है वो मूव करते रहते हैं। ये वाले पार्टिकल जो है ये अपनी, ये अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, ये पार्टिकल इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड्स के ऊपर जो है ये इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मे बी ये इस तरह भी मूव कर सकते हैं, मे बी इनकी मोशन इस तरह हो सकती है। ये मूव करते रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आयरन है इसकी एग्जाम्पल, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर कंक्रीट, वुड, ग्लास, ये सारी ही इसकी एग्जाम्पल है। लिक्विड लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड की जो चीजें आप इस्तेमाल, यानी कि वाटर वगैरह जो है उसका वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। उसका मास भी है, उसका वॉल्यूम भी है, तो दोनों चीजें हैं लेकिन उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उसे अब जिस भी बर्तन में डालते हैं, जिस भी कंटेनर के अंदर, बेसिकली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, जिस भी कंटेनर में डालते हैं
उस कंटेनर की जो शक्ल है उसे अडॉप्ट कर लेती है. अ लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. इट कैन फ्लो टू फिल अप एनी शेप. इट ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लूइड. द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. उनके पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं लेकिन लूजली होते हैं. दे वाइब्रेट वेगोरसली दैट द अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड देम इन द फिक्स पोजिशन. इनके जो वाइब्रेशन होती है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती. वो एक दूसरे को छोड़ के भी एटम चले जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं. सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती. दे कैन मूव पास्ट ईच अदर. एक दूसरे से वो अलग भी हो जाते हैं. इसकी एग्जाम्पल के अंदर वाटर है, हाइड्रोलिक एसिड है, क्लोरीन है, मतलब जितनी भी लिक्विड मटीरियल है वो सारे के सारे. थर्ड वन आता है गैस. अ गैस इज अ मटीरियल दैट हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम. अ गैस क्विकली फिल्स अप विद एनी स्पेस अवेलेबल. अ गैस इज ऑल्सो फ्लूइड बिकॉज इट कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो ये दो चीजें ऐसी हैं जो गैस के अंदर जो डिफरेंट है. यानी कि इसकी नो फिक्स शेप होती है, नो फिक्स वॉल्यूम. वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है. क्योंकि आप देखें कि अगर आप एक परफ्यूम की जो कंटेनर है उसमें से उसका क्या, वही परफ्यूम जो है वो आप करें, उसको प्रेस करें, तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है. सो गैस जो होती है इसकी ना फिक्स शेप होती है, ना फिक्स वॉल्यूम होता है. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेस पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. वो उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है, उनको दूर भी किया जा सकता है. सो फ्लूइड के अलावा जो गैस है इसके अंदर भी जो मोशन है पार्टिकल्स की वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है. सो देर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स मूव एट हाई स्पीड, तेजी से मूव करते हैं. कोलाइड विद वन अनदर एंड द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर. अच्छा ये एक, क्योंकि मूव करते हैं बहुत फार अवे से, तो एक दूसरे के साथ ये कोलाइड भी करते हैं, टकराते भी हैं. और ये कंटेनर जिसके अंदर उसकी वॉल से भी टकराते हैं. और वो इस वजह से इनका प्रेशर भी इंक्रीज होता है. तो आगे हम इंशाल्लाह इसका स्टडी करें. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम इन तीनों की डायग्राम देखें तो सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनकी शेप फिक्स होती है. मतलब वो किसी भी कंटेनर के अंदर डालें तो उनकी शेप फिक्स होती है. लिक्विड जो होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग टू कंटेनर जो है, अगर ये हम इसे कहें कि ये आपका कंटेनर है तो उसकी शेप ले लेते हैं, उसमें फिक्स आ जाते हैं. और जितनी मेजरमेंट उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होता. और थर्ड गैस है. गैस आप जिस भी कंटेनर के अंदर डालें वो उस कंटेनर के अंदर, वो पूरे कंटेनर के अंदर ही आ जाती है. मतलब इसके कोई लिमिट नहीं. आप इसको शॉर्ट करके छोटा सा इतना सा कंटेनर करेंगे तो ये गैस इसके अंदर भी आएगी. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस कंटेनर का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो एक फोर्थ स्टेट भी है इसकी. इसकी एक और एग्जाम्पल आप देख लें. एनर्जी के हवाले से भी अगर हम देखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पार्टिकल. द पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड आर अटैच्ड, अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दीज फोर्स प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पार्टिकल्स. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द कॉन्स्टेंट मोशन, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी. सो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. गैस हैव द हाइएस्ट टोटल एनर्जी बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूविंग एट हाई स्पीड. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें एनर्जी के हवाले से, तो सॉलिड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी लो होती है क्योंकि उनकी मोशन कम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है और टोटल एनर्जी भी लोएस्ट होती है. लिक्विड के अंदर ये तीनों मीडियम होते हैं, जबकि गैस के अंदर हाईएस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी भी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है और टोटल एनर्जी भी हाई होती है. अगर हम इसी को देखें और इसकी एक और एग्जाम्पल हम करते हैं. फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर के अंदर अगर हम जाएं तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसे हम एक्सप्लेन करें तो वो भी इसी से रिलेटेड है. ये न्यू स्टेट ऑफ प्लाज्मा है. उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा इज अ हॉट और आयोगनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस. यानी कि ये एक गैस आयोगनाइज्ड गैस होती है बेसिकली. ये बिटवीन द लिक्विड एंड गैस एक ऐसी स्टेट है जो लिक्विड और गैस के दरमियान होती है.
हॉट आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो तकरीबन इक्वली होते हैं। आगे दूसरी, प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उनका इन्फ्लुएंस होता है। नेचुरल गैसेज आर नॉट इन, यानी कि इनके अंदर नेचुरल गैसेज नहीं होती। प्लाज्मा आर कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट फोर स्टेट ऑफ मैटर, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये फोर स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ये इसके अगर आप प्लाज्मा इन्फ्लुएंस कहाँ से इन्फ्लुएंस इसने किया, एक्सट्रीमली बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और द इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरनली by the localized charge concentrating and electric currents that result from the different motion of the ions and electrons. So ye thodi si electric term hai, isme nahi jaate, simple hi rehte hain. Agar aap isko book se read kare to यहाँ से इस बुक से भी देख लेते हैं। सो प्लाज्मा द फोर स्टेट ऑफ मैटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड कंटीन्यूअसली। तो शुरू में उस स्लाइड्स के अंदर आपने देखा था कि हमने कहा था हॉट आयनाइज्ड गैस होती है। सो वो कहता है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल गोज अप इंक्रीज इफ द गैस इज हीटिंग, अगर आप गैस को कंटीन्यूअसली हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुसलसल इंक्रीज होती है। दिस कॉजेस द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। The collision between atoms and molecules of the gas becomes so strong they have a tear of the atom. So usse kya hota hai ki wo agar aap bahut zyada garam karte jaye usko gases ko to unke molecules ek dusre se takrate hain aur wo tear off hona shuru ho jata hai. Atoms lose their electrons and becomes positive ions. To wo kya hota hai ki unke jo electrons hote hain unhe lose kar dete hain aur unke upar jo charge aata hai wo positive aana shuru ho jata hai. These ionic state of a matter is called plasma. तो वो वाला जो होता है basically जो equal charge होता है positive और negative charge equal हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं plasma है। Plasma is also formed in the gas discharge tube when electric current passes through these tubes. Plasma is called the fourth state of matter in a gas occurring in the ionic state. Positive ions and electrons get separated the presence of electric or most of the matter that fills survives in the plasma state it starts such as the sun gases exist their ionic state. Plasma is highly conducting state of a matter, yani ke iske andar agar iski characteristic dale to iske andar ye bhi iski characteristic aayegi ki plasma is a highly conducting state of a matter, a low static current passes through it, yani ke ye current ko bhi pass through hone ki permission deta hai. So next up hum aate hain density ki taraf. Ye alp ke according to aapka ye chapter b hai जो डेंसिटी है, सो हम इसको यहाँ से भी स्टडी कर लेते हैं और इसकी स्लाइड्स भी देख लेते हैं। पहले हम स्लाइड्स देख लें इसकी जो सो हम तो डेंसिटी की तरफ आते, डेंसिटी इज अ सब्सटेंस इज इट मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू है मास ओवर वॉल्यूम, और अगर हम इसे ट्रायंगुलर में शिफ्ट करें तो यहाँ पे डी डेंसिटी मास मास को रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम उस बॉडी का वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर हमने कोई सी भी वैल्यू फाइंड करना है, अगर m फाइंड करना है तो d मल्टीप्लाई बाय v आ जाएगा, अगर v फाइंड करना है तो m डिवाइडेड बाय d आ जाएगा, अगर आपने v फाइंड करना है तो m डिवाइडेड बाय d, अगर d फाइंड करना है तो m डिवाइडेड बाय v, यानी कि ये इसी तरह फार्मूला जो है वो बनाया जा सकता है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ऐसे यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर, यानी कि किलोग्राम आपके पास मास का यूनिट है
और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। अदर कॉमन यूनिट ऑफ यानी कि अगर इसके सब यूनिट्स के अंदर आए तो ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब भी हो सकता है और किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक फार्मूला भी है। डेंसिटी एसोसिएशन मास पर यूनिट वाली इसका फार्मूला है। सो 1000 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी इन केजी अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये सिंपल कन्वर्जन है जो हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। सो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा इंशाल्लाह ये हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे आगे आपका जो क्विज आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। Do you think the gold bars, gold chain and gold coin have the same density? मतलब ये तीन चीजें हैं अगर एक gold का bars का bars है gold chain है और coin है यानी कि सोना चांदी और पीतल जो है उनके coin जो होते हैं उनकी density same होती है। Yes, the density of the substance is a constant that does not depends upon the shape or the volume. किसी भी जो material होता है gold हो चाहे वो सोना हो तो उसकी वो जो density जो होती है वो हमेशा same रहती है, उसकी शेप और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब एक आयरन का जो सिक्का है उसकी डेंसिटी भी उतनी ही होगी और अगर एक आयरन का रॉड है उसकी डेंसिटी भी उतनी होगी। सो इसमें तो कोई में फर्क नहीं होता। ये गैस के हवाले से गैस है डेंसिटी ऑफ 2500 केजी पर मीटर क्यूब। दैट मींस 1 मीटर क्यूब ऑफ अ ग्लास हैज अ मास ऑफ 250 केजी। सो ग्लास हैज अ डेंसिटी ऑफ यानी कि ग्लास की डेंसिटी है, सिल्वर हैज अ डेंसिटी ऑफ सिल्वर की डेंसिटी है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर सिल्वर। सो अगर हम इसकी डेंसिटी के ऊपर अगर हम बुक को देखें तो बुक के अंदर वो कहता है density is an iron object heavier than that the wood not necessarily depends upon the quantity of iron and the wood or you are comparing for example if we take equal volume of iron and wood then we can easily declare that iron is heavier than wood. In other word we can say that iron is heavier than wood. agar do same cheeze ho wood ki bhi ho wahi cheez kursi jo hai wo iron ki bhi bani ho to wo iron ki kursi jo hai uska weight jo hai wo zyada जबकि वुड जो है वो हल्की होगी। टू नो विच सब्सटेंस इज डेंसर और विच इज लाइटर वो जनरली कंपेयर द डेंसिटी ऑफ अ वेरियस सब्सटेंस। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू दैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो मास और वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो होती है उसे हम कहते हैं कि ये डेंसिटी। सो द एसआई यूनिट ऑफ अ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। कोई भी चीज हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम वहां से कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है इसे देखिएगा। मास ऑफ अ 200 सेंटीमीटर क्यूब अ स्टोन ऑफ 500 ग्राम फाइंड इट्स डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम हमारे पास है तो हम डेंसिटी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो आज का टॉपिक हमारा यही था। कल इंशाल्लाह हम प्रेशर को परसू करेंगे, इसे पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।